वेलकम टू कुकिंग कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मक्के के खींचे बनाना बताऊंगी। खींचे को पापड़ भी बोलते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से लोग डरते हैं कि हम कैसे बनाएं, हमारे खींचे फट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से बनाइए। बहुत ही आसान तरीका है। और हम मक्के के खींचों को लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। 3 से 4 साल तक के हमारे जो खींचे हैं खराब नहीं होते हैं। बस मेन रीजन यही होता है कि हमें इसको बीच बीच में धूप लगाना होता है। धूप यदि बराबर लगी रहती है तो खींचे जो है हमारे खराब नहीं होते हैं। 6-7 महीने में एक बार इन्हें हमें धूप में देना होता है, 2 से 3 घंटे के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर लिया है मक्की का बारीक आटा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है पापड़ खार, यह आसानी से मिल जाता है। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है। 1 टीस्पून हम लेंगे अजवाइन। 1 टीस्पून हम लेंगे साबुत जीरा। पानी हमें चाहिएगा डबल। जिस भी कप से आप नाप ले उसका डबल हमें पानी लेना है। सबसे पहले हमें पानी गरम करना है। गैस पे मैंने भगोना रखा है और उसमें मैंने डबल पानी ऐड किया है। पानी अच्छा गरम होने देंगे, गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे। पानी अच्छा गरम हो गया है तो जीरा साबुत जो हमने लिया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। नमक को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। पूरा उबाल आने के बाद ही हमें ऐड करना है। पापड़ खार जो हमने लिया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से इसको उकलने देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब इस तरह का हमें एक बड़ा बर्तन लेना है। जो आटा हमने लिया था वो इसमें हम डाल देंगे सारा। अजवाइन को भी इसमें हम ऐड करेंगे और लाल मिर्च जो हमने ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो पानी अभी हमने गरम किया था धीरे धीरे हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम वो गरम पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी आपको सिखाने के लिए मैं थोड़े से ही बना रही हूँ। बाकी आप चाहे तो 1 किलो आटे के 2 किलो आटे के भी एक साथ बना सकते हैं। इस तरह हमें सभी को अच्छे से मिक्स करना है। जितना चाहिएगा उतना ही हम पानी डालेंगे। ये मैं आपको ककड़ी के द्वारा बनाना बताऊंगी। ये भी बहुत आसान तरीका है। पहले मैंने बताया था कुकर में कैसे बनाते हैं, ये दूसरा तरीका है ककड़ी के द्वारा कैसे बनाते हैं। दोनों तरीके ही इजी है। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह हमें सभी को अच्छे से मिक्स करना है और ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है। एक बार हम इसको ऐसे मिक्स करके अब हम इसको ढक के रख देते हैं ताकि अंदर से बफ जाए और 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम खोल के देख लेते हैं और एक बार अब हम हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको हाथ से मिक्स करना है। हमें इस तरह इसको गीला ही रखना है। हमने डबल पानी लिया था लेकिन हमें 3 गुना पानी ही इसमें लगा है। बचा हुआ पानी हमें जब बॉइल होएगा तब उसमें हम ऐड कर देंगे। इस तरह का हमें इसका बैटर तैयार करना है। ज्यादा टाइट नहीं रखना है। इतना हमारा पानी बचा है तो थोड़े थोड़े हम लोइया बनाएंगे। हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको हम नरम करेंगे। इसी पानी को हमें काम में लेना है और इस तरह हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब दोनों हाथ की मदद से हमें इसको शेप देना है। इस तरह इसको हम गोल गोल करेंगे। हाथ को थोड़ा गीला कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह हमें इसको शेप देते हुए और बीच में होल करना है, आप देख सकते हैं, ताकि अच्छे से पक जाए। इस तरह हमें सारे बनाने हैं। इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और दूसरा भी इसी तरह हम बनाएंगे। हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको राउंड शेप में लेके और बीच से जो है हम प्रेस करेंगे इस तरह और हम इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह हमें सारे बनाने हैं। बहुत आसान तरीका है ये बनाने का। अब इनको हम उबाल लेंगे तो गैस पे हम पानी गरम कर लेते हैं। उसी बर्तन को मैंने वापस गैस पे रख दिया है और 3 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है और पानी अच्छे से गरम होने देना है और जो पानी बचा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा
तो हमने जो ककड़ी बनाई थी वो इसमें हम डालेंगे। पानी गर्म होने लग गया है तो एक एक करके हमें इसमें डालना है। तो ये हम इसमें डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें तेज ही रखना है और तेज फ्लेम में ही हमें इसको डालना है। जब अच्छी तरह से वापस गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। अभी अच्छी तरह से उकलने लग गया है तो हम एक बार चम्मच की पीछे की डंडी से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह। और गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है, फुल फ्लेम पे हमें इसको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं तो एक बार हम इन्हें फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 10 मिनट जो है हम इन्हें कम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, जो ककड़ी हमने बनाई थी वो पककर तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढककर हमें 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये भाप से अच्छी तरह से और पक जाए। खींचे बनाने में सबसे मेन बात यही होती है कि हमें इनको अच्छे से पकाना होता है। यदि हम अच्छे से नहीं पकाएंगे तो ये धूप में सूखते समय फट भी सकते हैं। खींचे के टूटने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि हमें इनको अच्छे से पकाना होता है। यदि ये कच्चे रह गए तो ये जो है टूट जाएंगे। तो 10 मिनट में इनको अब ढक के रख देती हूँ, जब तक ये थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। फिर हम इसके जो है पापड़ बनाएंगे। अच्छी तरह से जो है ये सेट हो गए हैं तो एक एक करके जो है हम सारे निकाल लेंगे ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। तो एक बर्तन में हमें इनको निकालना है। इस तरह पानी निकालते हुए ही हमें इनको निकालना है, पानी नहीं लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं से भी जो है ये खराब नहीं हुए हैं, टूटे नहीं हैं। इस तरह नीचे जाली का चम्मच लगा लेंगे ताकि पानी जो है नीचे निकल जाएगा। अब हम जाली के चम्मच से जो है इनको तोड़ लेते हैं ताकि ठंडे हो जाए। इस तरह का लोटा सबके पास से मिलता है तो लोटे पे हम थोड़ी सी तेल की चिकनाई लगा देंगे और इससे जो है हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। ये देखे बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो है इनको थोड़ा लूज ही रखा था, ढीला ही रखा था हमने। इस तरह सभी को हमें अच्छे से मेश करना है, मिक्स करना है, अच्छी तरह से हमें इनको सेट करना है। कहीं से भी गुठलियां लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है हमको। अब थोड़ी सी हम हाथ पे चिकनाई लगा लेते हैं और अब हम हाथ की मदद से करेंगे। ये जो लग रहा है इसको हम पहले हटा लेंगे और हाथ की मदद से जो है हमें इसको अच्छे से तैयार करना है, डोक बनाना है इसका हमें। इस तरह अब ये ठंडा हो चुका है तो आराम से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह जो है हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हल्की सी चिकनाई लगा लेंगे, अच्छी तरह से हम एक बार और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके हम छोटे छोटे जो है लोई बनाएंगे। हाथ पे भी थोड़ी सी हम चिकनाई लगा लेते हैं ताकि लोई बनाएंगे तो हमारे हाथ पे चिपके नहीं। तो हम इसको तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह और इसकी हम जो है लोई बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें इसकी लोई बनानी है। इस तरह हम सारी लोई बना के रख लेते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी लोइयां बना ली है। चलिए अब इन्हें हम बेलते हैं। ये मैंने पूड़ी बेलने की मशीन ली है, ये सबके पास मिल जाती है। यदि नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगी बिना मशीन के खींचे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की पन्नी लेंगे, इसको मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। इस पे अब हम एक लोई रखेंगे, लोई पे भी अच्छा सा हम तेल लगा लेंगे। अब जो पन्नी ली थी उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको प्रेस करेंगे हम। प्रेस करते हुए हमें इसको ऊपर उठाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है मक्की का पापड़ बनकर हमारा तैयार हुआ है। पन्नी को अब हम हटा लेंगे
मैंने इस पे प्लास्टिक लगाया है, इस पे अब हम खींचे सुखाएंगे तो ये पन्नियों में ऐसे ही उठा के इस पे धीरे से हम इस तरह प्रेस कर देंगे और धीरे से हम इसको उठा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमें सारे सुखाने हैं। यदि आपके पास मशीन नहीं है पूड़ी बेलने की तो आप खींचे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। वो प्लास्टिक की पन्नी जो हमने ली थी वो हम लेंगे, उसको हमने चिकनाई कर रखा है। एक लोई लेंगे हम मक्की की, इसको इस तरह हम रखेंगे और पन्नी को हम इस तरह पलट देंगे। इस तरह के जो प्लेट है सबके साथ आसानी से मिल जाती है, सबके पास ही होती है। इस प्लेट से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये देखिए, थोड़ा और हम प्रेस कर देते हैं यदि हमें पतला चाहिए तो। ये देखिए हमारा खींचा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से भी आप जो है मक्की के पापड़ बना सकते हैं। इस तरह हमें सारे खींचे बना के रखने हैं। इस तरह देखिए हम धीरे से इसको पलट देंगे और इस तरह हम पन्नी हटा लेंगे, बड़ी आसानी से हट जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह हमें सारे खींचे बना के रखने हैं और इनको हमें धूप में सुखाना है। 3 से 4 घंटे सुखाने के बाद हम इनको एक बार पलट देंगे ताकि दोनों साइड से जो है आसानी से सूख जाए। इस तरह हम इनको 2 दिन तक धूप देंगे, जब अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनको हम फ्राई करेंगे तेल में। आप देख सकते हैं खींचे जो है हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे खींचे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, कहीं से भी नहीं फटे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खींचे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक तल के भी दिखाऊंगी। गैस पे मैंने पैन रखा है और उसमें मैंने तेल ऐड किया है। गैस के फ्लेम को हमें फुली रखना है, तेल अच्छा गर्म हो जाएगा फिर हम खींचे को तलेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, चलिए अब हम एक खींचा तल के देख लेते हैं हमारे खींचे कैसे बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, पलट देंगे दोनों साइड से हम इनको तलेंगे और निकाल लेंगे इस तरह। एक और हम तल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल गए हैं। इस तरह हम जितने चाहेंगे हम उतने ही खींचे तलेंगे, बाकी के खींचों को जो है हम स्टोर करके रख देंगे ताकि हमारे खींचे जो है खराब नहीं होंगे और जब भी खाने की इच्छा हुई तो हम उनको फ्राई करके खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मक्की के खींचे बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है ये। ये खींचे हम बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 साल तक भी ये खराब नहीं होते हैं। बस बीच बीच में इसको हमें 1-2 बार धूप लगानी होती है। मक्के के खींचे बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब पानी अच्छा उकल जाए तभी हमें मक्के का आटा उसमें डालना है और जब हम पकाएंगे तो बिल्कुल इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है, कम नहीं पकाना है, जिससे हमारे खींचे जो है बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। ये कुछ छोटी खास बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज बिना समय गवाए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।